नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो सवाल है कि लंग कैंसर के पेशेंट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, अगर उसको किसी भी थेरेपी के लिए, सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना, तो ये कैसे किया जाता है। सो जैसे ही हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं और एक डायग्नोसिस बना लेते हैं कि ये लंग कैंसर है, तो इमीडिएटली उसकी सर्जरी नहीं की जाती उस पेशेंट की, उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अगर तुम वो स्मोकिंग कर रहा हो तो आइडियली तो 6 वीक्स के लिए स्मोकिंग को रोकना चाहिए, पर इतना समय होता नहीं है। सो 1 से 2 हफ्ते का हम समय लेते हैं जिसमें उसके स्मोकिंग को सीधे किया जाता है, बंद किया जाता है। उसके बाद उसको प्रोटोकॉल बेस्ड रिहैबिलिटेशन थेरेपी पर डाला जाता है, जिसके मूलतः 2 या 3 भाग होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है उसको फिजियोथेरेपी सिखाई जाती है, जो वो अपने इंस्टीट्यूशन में हमारे पास आके कर सकता है या अपने घर पे कर सकता है, जिससे उसकी लंग कैपेसिटी बढ़े। दूसरी चीज़ होती है उसके न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज किया जाता है, अगर वो खाना पीना उसका बहुत कम है तो उसको क्या खाना है, हाई प्रोटीन डाइट कैसे लेनी है, वो सब समझाया जाता है। तीसरी चीज़ होती है उसके हाइड्रेशन को मेंटेन किया जाता है, 2 से 2.5 लीटर उसको पानी पीने के लिए या तरल पदार्थ लेने के लिए बोला जाता है। ये करने से 1 से 2 हफ्ते में जो ये पेशेंट्स होते हैं लंग कैंसर के लिए, ये प्रिपेयर होते हैं अगली थेरेपी के लिए। उसमें जब हम ये कर रहे होते हैं तो कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको कई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटीज होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, हार्ट डिजीज होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, पेट की कोई डिजीज होती है, तो इन सबके उनके पर्टिकुलर डॉक्टर से उनके क्लियरेंसेज लिए जाते हैं। और आखिरी चीज आती है कि हमें एनेस्थीसिया का क्लियरेंस लेना होता है बेहोशी का, उनको बेहोशी के डॉक्टर को दिखाया जाता है जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप करते हैं, जिसमें वो एनेस्थीसिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई टेस्ट, कई चीजें मांगते हैं जो हम करा के उन लोगों को देते हैं। इस हिसाब से प्रिपेयर होता है एक लंग कैंसर का पेशेंट सर्जरी या किसी भी अन्य थेरेपी के लिए।